पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शनिवार को 31वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सुबह से दिल्ली में स्थित राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी वीरभूमि पहुंचकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और सचिन पायलट ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद किया। मोदी ने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। राहुल ने कहा, मेरे और प्रियंका के लिए वो अद्भुत पिता थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पिता स्वर्गीय राजीव गांधी को याद किया। राहुल इस समय लंदन में हैं। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मेरे पिता एक दूरदर्शी नेता थे जिनकी नीतियों ने आधुनिक भारत को आकार देने में मदद की। वो एक दयालु शख्स थे और मेरे और प्रियंका के लिए एक अद्भुत पिता थे जिन्होंने हमें क्षमा और सहानुभूति का मूल्य सिखाया। मुझे उनकी बहुत याद आती है और हम दोनों ने साथ में जो समय बिताया उसे मैं याद करता हूँ। बता दें कि आज भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। यह हर साल 21 मई को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने, आतंकवाद को कम करने और सभी जातियों, पंथों आदि के लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन आम लोगों के बीच एक मैसेज भेजने की कोशिश की जाती है कि कैसे आतंकवाद देश को नुकसान पहुंचाता है। आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे 21 मई 1991 को एक बम धमाके में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।